आइए दोस्तों बात करते हैं आज 19 अप्रैल 2020 की रविवार की मुख्य खबरों के बारे में। तो आज का सबसे बड़ा खबर है कि आधार कार्ड में अब जो है आप अपने एड्रेस को अपना फोटो अपलोड करके ही जो है चेंज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आप जो है बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अब आप अपने आधार कार्ड को अपने घर बैठे ही उसके एड्रेस को जो है चेंज कर सकते हैं सिर्फ एक फोटो अपलोड करके। देख सकते हैं यहाँ पे एक फोटो अपलोड करके ही बदल जाएगा आधार का एड्रेस। यहाँ पे उदय ने जो है शेयर किया वीडियो। अब चलते हैं अगला खबर की। तो अगला खबर है यहाँ पे लाइव काउंट जो है इंडिया में अभी कोरोना वायरस का कितना है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अगला खबर की तरफ चलते हैं। तो अगला खबर जो है मौसम के लिए अलर्ट है, और ये अलर्ट जो है बिहार में कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट खबर देखते हैं। फर्स्ट खबर है यहाँ पे सिर्फ एक फोटो अपलोड करने से बदल जाएगा आधार में एड्रेस, उदय ने शेयर किया यह वीडियो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग आप वीडियो देख रहे हैं सभी की तरफ से इस वीडियो पे लाइक जो है आ जाए। तो इस वीडियो को लाइक के टारगेट को पूरा करना है आपको, उसके लिए करना क्या है, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना है और बगल में एक शेयर का ऑप्शन है जिस पे टच करके इसे अपने दोस्तों के पास आपको फेसबुक पे शेयर कर देना है, जिससे आपका फेसबुक दोस्त जो है देख सके। उसके बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा, इस पे टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑन कर देना है। इससे क्या हुआ कि मेरे चैनल पर आने वाले हर खबर का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप जो है सबसे पहले उस खबर को जो है देख पाइएगा। उसके बाद नीचे जाके एक प्यारा सा कमेंट भी आपको सबमिट कर देना है न्यूज लिखकर। इससे क्या हुआ कि आप जो भी लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं हमें पता चल जाएगा कि आप लोग में से कितने ऐसे व्यक्ति जो है वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करते हैं, सारे वीडियो पे आके जो है कमेंट करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट खबर की ओर। तो देख सकते हैं लॉकडाउन के बीच आप आधार से जुड़े अटके हुए काम को आसानी से निपटा सकते हैं। उदय ने बताया कि अब आप सिर्फ एक फोटो खींचकर आधार में अपना पता बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो है सिर्फ आप अपना एक फोटो खींचकर जो है अपने आधार का जो है पता बदल सकते हैं, वो भी घर बैठे। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लॉकडाउन के बीच आप आधार से जुड़े अटके हुए काम को आसानी से निपटा सकते हैं। उदय ने बताया कि अब आप सिर्फ एक फोटो खींचकर आधार में अपना पता बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से एक फोटो खींचना होगा और इसको अपलोड करना होगा। आइए बताते हैं कि इसका क्या तरीका है। तो देख सकते हैं उदय ने बताया है कि सिर्फ आपको अपना फोटो खींचना है और उसको जो है अपलोड करना है आपको आधार कार्ड के वेबसाइट पे जाके। उदय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया जिसको देखकर आप आसानी से अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। उदय ने ट्वीट करके बताया कि आप डॉक्यूमेंट की कलर फोटो खींचकर अपने फोन से अपलोड करें, सिर्फ पता बदलने के लिए आपको आधार कार्ड सेंटर या लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अब जो है आपको आधार कार्ड के लिए आपको लाइन में लगने का कोई जरूरत नहीं है, अब जो है घर से ही आप अपना फोटो खींचकर जो है पता बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना होगा जिसका नाम है udai.government.in। तो इस वेबसाइट पे आपको जाके जो है यहाँ पे अपने आधार कार्ड को जो है पता में जो है यहाँ पे चेंज करना होगा। तो इस वेबसाइट को हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं, आपको पूरा दिखाते हैं। चलिए इसको गूगल में जाके हम पेस्ट कर देते हैं और इसी वेबसाइट पे हम चलते हैं। तो ये वेबसाइट हम खोल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आगे जो है यहाँ पे बता उदय ने, तो ऑनलाइन आधार पर पता बदलने का तरीका। तो ऑनलाइन पता बदलने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना होगा। इसके बाद में आपको माई आधार वाले टैब पर क्लिक करना होगा। अब आपको ड्रॉप डाउन के दूसरे अपडेट आधार योर कार्ड में जाना होगा। यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पे जो है क्लिक करना होगा। तो वेबसाइट जो यहाँ पे खुल गया, देख सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद आपको जो है माय आधार पे जो है जाना होगा। तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा ऑप्शन है अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन। देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन जो है आ चुका है, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटो जो है अपलोड करना है। तो वेबसाइट आगे खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। इस पर आपको टच करना है और क्या करना है, एड्रेस को जो है चेंज करना है। तो एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना आधार नंबर यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है ए वाला कोड आपको यहाँ पे डालना होगा और सेंड ओटीपी पे टच करना होगा। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को जो है चेंज कर पाइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे क्या बात है। तो यहाँ पे अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटर ओटीपी पे टच करना है। आपको एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे जाने पे प्रोसेस टू आधार एड्रेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर फिर कैप्चा वेरिफिकेशन इंटर करना है। उसके बाद ही जो है आप लॉगिन कर पाइएगा। तो देख सकते हैं सेम प्रोसेस यहाँ पे हम आपको बताए कि यहाँ पे आप लॉगिन जो है अपने आधार कार्ड में कैसे जो है कर पाइएगा। तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस को जो है पूरी तरह से बदल सकते हैं। अब आपको यहाँ पे अपडेट एड्रेस वाई एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन मिलेगा। एड्रेस प्रूफ का विकल्प चुनने पर नए पेज में आपको नए एड्रेस के डिटेल भरने होंगे। अब आपको जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे। आपको इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड पर एड्रेस बदल दिया जाएगा और नया आधार कार्ड आपके डाक के द्वारा आपके पते पे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने आधार कार्ड को जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसके पता वता को जो है बदल सकते हैं।
अब अगला खबर पढ़ते हैं। अगला खबर जो है मौसम विभाग की तरफ से आया है, तो जानते हैं कि मौसम का जो है क्या जानकारी है। तो कोरोना के साथ बिहार में मौसम का भी कहर, कई हिस्सों में भारी बारिश के आंधी के साथ ओले गिरने का भी जो है अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए पढ़ते आगे। उत्तर बिहार के कई जिलों में काल बैसाखी कहर बनकर बरपा। शुक्रवार की रात तेजी आंधी बारिश हुई, ओलावृष्टि ने आम लीची और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओला गिरा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे भारी बारिश से काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ है फसल को, जो है आम लीची गेहूं ये सब को जो है भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। राज्य के पूर्वी भाग में भी एक दो तिहाई जगहों पर तेज आंधी और बारिश की स्थिति रहेगी। वही मौसम विभाग ने 20 अप्रैल के लिए आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी जो है यहाँ पे अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग की ओर से घंटे दो घंटे पर विभिन्न जिलों के लिए अलर्ट जारी किया जाता रहा है। सुपौल, मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी और आसपास के कई इलाके में ओले के आकार डरावने थे। इससे पहले की भारी क्षति पहुंची है। मुजफ्फरपुर में भी शुक्रवार की देर रात तेज आंधी बारिश के बाद ओले गिरे। मौसम विभाग केंद्रों की माने तो यह काल बैसाखी के प्रभाव वाला समय है। पूर्वा हवा के कारण वातावरण में तेजी से नमी की मात्रा बढ़ी और बादलों का बनना तेजी से हुआ। वातावरण में अनुकूल घर्षण के परिस्थितियां न बदलने की वजह से ओले का आकार इतना बड़ा रहा है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां पे वातावरण में तेजी से नमी की मात्रा जो है बढ़ी है, जिस कारण से यहां पे काफी ज्यादा जो है ओला का आकार रहा है, जिसके कारण भारी नुकसान जो है फसलों को उठाना पड़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मौसम ब्यूरो का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार के कई हिस्सों में एक विशेष का बादल क्यूमुलोनिम्बस बादलों की बनने की प्रक्रिया में तेजी आई है। दोपहर में मौसम में बढ़ोतरी होने से पृथ्वी तेजी से गर्म हो रही है और शाम तक इन बादलों को कहर देखने को मिल रहा है। इस वजह से जनजीवन प्रतिकूल असर जो है डाला है। 20 को राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 तारीख को जो है 20 अप्रैल को कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। अधिकतर हिस्से में आंधी बारिश की स्थिति रहेगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो पत्थर गिरने की भी जो है संभावना यहाँ पे बताया जा रहा है। 40-50 किलोमीटर की प्रति घंटे हवा की रफ्तार जो है यहाँ पे रहने वाला है और 18-19 अप्रैल को भी इनका असर कुछ जिलों में दिख सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आज भी जो है कुछ जिलों में इसका असर जो है दिखने वाला है और कल भी जो है दिखने वाला है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे मौसम की जानकारी आपको दे रहे हैं। अब जो है आप अपने मौसम के अनुसार के जो है फसल को यहाँ पे सही से रख रखाव जो है कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर जो है कोरोना अपडेट को लेकर है। तो कोरोना अपडेट जो है यहाँ पे इंडिया में अभी जो है कोरोना की मरीज यहाँ पे 14,792 जो यहाँ पे हो चुका है, जिसमें 2000 आदमी जो है यहाँ पे रिकवरेट हो गया है और 488 मरीज को जो यहाँ पे मौत हो चुका है, देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह का हर रोज आप नया खबर पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को ऑन कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।